देसी कुरपरंजे में आपका स्वागत है। मेरा हर एक वीडियो को इसी तरह देखते रहिए ताकि मैं तरह तरह का व्यंजन और बताते रहूं। और मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि मेरा हर एक नया वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए आज एक नया रेसिपी के साथ फिर शुरू करती हूँ। नमस्कार देवी। देखिए आज मैं आपके सामने मोमोज की चटनी बनाने जा रही हूँ। लगभग 50 ग्राम मिर्च ली हूँ जो ज्यादा तीखा नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा अगर तीखा है तो उसका बीजा निकाल के बना सकते हैं, पर मेरा तीखा नहीं इसलिए मैं आज बीजा सहित लगा, पर इसकी डंटी को मैं तोड़ दूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह तोड़ के एक कुकर में एक बॉयल होने तक आप पका लेंगे। देखिए मैं सारे की डंटी तोड़ दी, अब मैं इसको एक बॉयल होने तक उबालूंगी। देखिए इस तरह से पानी डूबने भर डाल दी, अब इसको मैं गैस चूल्हा पर इस तरह से चढ़ा के गैस ऑन करके एक सीटी भर लगने भर छोड़ देंगे। देखिए एक भीसी होने तक मैं एक सीटी लगा दी। अब मैं इसको बंद करके ठंडा कर लूंगी। इस तरह से देखिए मेरा एक सीटी लगा दी मैं, अब इसको मैं एक कटोरा में निकाल लूंगी इस तरह से। देखिए अब उसी के साथ मैं देखिए करीब 20 जैसा कली ली हूँ लहसुन की। इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा लगता है तब टेस्ट आएगा आपका मोमोज में, मोमोज की चटनी में। देखिए 1.5 इंच जैसा अदरक, अब मैं इसको फाइन ग्राइंड कर लूंगी थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद। देखिए इस तरह से मैं जार में रख ली हूँ सारे मिर्ची और पानी के साथ ही। अब इसमें मैं जो अपना लहसुन छील के रखे हैं वो भी इसी ग्राइंडर में डाल देंगे इस तरह से। अदरक भी जो मैं छील के रखी हूँ वो भी इस ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसको एक फाइन पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए अगर ये ज़्यादा अगर गर्म है तो आप आइस का क्यूब भी इसमें डाल के आप, ताकि वो मिक्सी जो है जले नहीं। ज़्यादा गर्म होने से आपका मिक्सी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इसलिए आइस क्यूब डाल दी। अब मैं इसको फाइन ग्राइंड कर लूँगी इस तरह से रख के। इस तरह से देखिए मैं फाइन ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी। इस तरह से देखिए फाइन ग्राइंड कर ली मैं सबको। अब मैं इसको एक कढ़ाई, इस तरह से कढ़ाई कुकिंग ऑयल डालेंगे इस कढ़ाई के गर्म होने के बाद। देखिए थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालिए ताकि इसका जो टेस्ट है फ्लेवर अच्छा आए। इस तरह से अगर तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं जो ग्राइंड किया हुआ है पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। देखिए तेल मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसको डाल दिए। जो ग्राइंड किए थे उसमें भी पानी घोल के इसको डाल देंगे इसी में, इसी कढ़ाई में। अब इसको अच्छे से पकाएंगे इस तरह से। देखिए पकाते पकाते अब इसमें आप फ्लेवर देने के लिए दालचीनी का 2 स्टिक भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, और बाद में इसको निकाल देंगे। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। देखिए 1 चम्मच में नमक ऐड की। अब थोड़ा सा मेरा चटनी खट्टा मीठा रहे इसके लिए थोड़ा सा आप चीनी भी ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें मैं चीनी भी 2 चम्मच ऐड करूंगी, थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर रहे। देखिए अब इसको भी अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक पकाएंगे जब तक इसका साइड से तेल ना निकलने, इसको अब इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से देखिए पकते हुए मेरा लगभग 5 से 10 मिनट हो गया। अब मैं इसमें देखिए 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड करूंगी। देखिए आपके इसके जगह आप टमाटर प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर टमाटो केचप देने से भी टेस्ट अच्छा रहता है। इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी। देखिए इस तरह से काली मिर्च भी ऐड कर देंगे 1 चम्मच।
अब इस सारे को अच्छे से मिला लेंगे। चटनी थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, इसलिए अभी और थोड़ा पकाएंगे, पाँच मिनट। देखिए अभी भी इसका टेक्सचर उतना सही नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से कॉर्नफ्लोर आटा 2 चम्मच डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसका टेक्सचर और सही हो जाए। इस तरह देखिए पानी ऐड कर देंगे, इसमें 2 चम्मच ली हूँ तो लगभग 4 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से घोल बना के धीरे धीरे एक 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 तरफ से चलाते जाएंगे, एक तरफ से मिलाते जाएंगे। देखिए ताकि लम्स ना हो। तरह से सारे को मिला देंगे, अब पूरा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे, तभी इसका खाने का मजा अच्छा होता है। इस तरह से देखिए, अब देखिए टेस्ट सही है कि नहीं, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ। एकदम परफेक्ट है, अब पूरा बिल्कुल रेडी है मेरा मेमोज की चटनी। अब मैं जो सिनेमिक स्टिक डाली थी वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसका भी फ्लेवर आ चुका है अब इसमें। अब देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर सही है एकदम मेमोज की। अब इसके साथ आप अपना जब भी बनाए मेमोज, आपका 2 या 3 महीना ये खराब नहीं होगा, अच्छा से फ्रिज में पैक करके रख देंगे, और जब भी मोमोज बनाए इसके साथ अपना सर्व कीजिए। मोमोज की चटनी बनकर तैयार है, अब जब भी बनाए मोमोज इसके साथ अपना सर्व कीजिए। ये 2 से 3 महीना आपको कुछ भी खराब नहीं होगा, अच्छे से पैक करके फ्रिज में डाल देंगे। अब इस तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।